भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओंकार या गायत्री का जैसे हम उच्चारण करते हैं वैसे ही ओंकार के साथ एकाकार होकर के तन्मय तद्रूप होकर के ब्रह्म रूप होकर के ओंकार ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं। ओम इति इदम सर्वम्, ओम इति ब्रह्म, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ओंकार ब्रह्म की अर्थ भावना इस रूप में कि सब ओर से एक ही ब्रह्म तत्व ओत प्रोत है, स ओतश प्रोतश प्रजा से, और हम उसमें ऐसे एकात्म हो जाए, ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वं इदं वरिष्ठं। सब वेदों का सार ओंकार है, इस पिंड और ब्रह्मांड का अंतिम शाश्वत नित्य सत्य ओंकार है। सारे तप, सारी साधना, सारे साधनों का आधार ओंकार है। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्, ओमित्येतत्, ओम तत्सत्। तस्मात् ओमिति उदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः। ॐ कृतो स्मरोम निवेस्मरोम कृतं स्मर। ॐ प्रतिष्ठा, ॐ इति एतत् अक्षरमिदं सर्वं तस्य उपाख्यानं भूतं भवत् भविष्यति। सर्वम् ओंकारेव यच्चन्न त्रिकालातीतं तदप्योंकारेव। ओंकार के साथ में से एकाकार हो जाए कि इस पिंड में ब्रह्मांड में सृष्टि के एक एक घटक को हम पृथक पृथक अनुभव करें तो भी, और एक साथ
इस पृथ्वीलोक अंतरिक्ष और द्विलोक को देखे तो भी अकार उकार और मकार में सारा ब्रह्मांड समाहित है। अर्थात ये तो शब्द और अक्षर की बात है, तत्व की बात यही है कि सब कुछ ओंकार ब्रह्म से ही निर्मित है, सबका उत्पादक, सबका कर्ता, सबका नियंता और अंतः अंततः सबको अपने भीतर समाहित करने वाला एक ओंकार ही है। यतो वायमानि भूतानि चायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अवसंविशन्ति तत् विचिच्य सस्व तत् प्रप्नेत्। ऐसे ओंकार ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में, उपनिषदों में, वेदों में, दर्शनों में, तस्य वाचः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भाव, और सब ऋषि मुनियों ने, सब योगियों ने, सब महापुरुषों ने ओंकार की महिमा गाई है, और सबसे बड़ी उपासना ओंकार की ही बताई है। एक ओंकार के साथ ऐसे एकाकार हो जाए कि शरीर की एक एक कोशिका से लेकर के उनसे बनने वाले उत्तक अवयवों से लेकर के पूरे शरीर तंत्र में, पूरे सृष्टि तंत्र में एक ओंकार है। बिलियन सेल्स में और एक एक सेल के भी जीन्स क्रोमोसोम्स डीएनए से लेकर के उनसे बनने वाले टिश्यूज ऑर्गेन्स और पूरे इस बॉडी और यूनिवर्स के एक एक क्वार्क एटम से लेकर के सब बड़े बड़े घटकों में उसी की शक्ति, उसी की ज्योति, उसी की महिमा। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमतो उदरम दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ये सारा ब्रह्मांड ब्रह्मा की मूर्त अभिव्यक्ति, द्विलोक भगवान का सिर है, अंतरिक्ष लोक भगवान का धड़ है, पृथ्वीलोक भगवान की शरण है। हम सदा ही भगवान की चरण शरण में रहते हैं और ये सारा ब्रह्मांड उसी की महिमा गा रहा है। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाहा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्य विश्व उपासते, सारा विश्व उसी ब्रह्म की उपासना कर रहा है, उसी की महिमा गा रहा है, कण कण से वही अभिव्यक्त हो रहा है और सारा जड़ चेतन जगत उसके विधान में चल रहा है। आओ हम भी भगवान की शरणागति में रहे और भगवान की शरणागति में रह करके भगवान के विधान का पालन करें। संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराजति, यही हमारा व्यवहारिक योग है, यही हमारा पारमार्थिक योग है, यही व्यवहारिक सत्य है जीवन का, यही पारमार्थिक सत्य है जीवन का, साधना का, साधन का, उपासना का। 24 घंटे हम भगवान की शरणागति में रहे, जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में, और धीरे धीरे तुरीय अवस्था में भी पहुंच जाएंगे। प्रतिपल हम सत्व में, दिव्यता में प्रतिष्ठित रहे, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, और साधना काल में तो
इस पूरे अस्तित्व में विश्वमय रूप में, विश्वातीत रूप में, और अपर रूप में, पर रूप में, अपर ब्रह्म पर ब्रह्म के रूप में उसी भगवान की महिमा को देखें। प्रथम तो जैसे ही हम एकाग्र चित्त होकर के, प्रशांत चित्त होकर के, श्रद्धान्वित होकर के इस पूरे अस्तित्व को देखते हैं, विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युच्य सखा तद विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुरातम। ओम उद्वयम् तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मा ज्योतिरुत्तमम् द्व्यः वाव ब्रह्मणः रूपे मूर्तम् च मूर्तम् च सब रूप प्रभु आप, सब स्वरूपों में आप हो, सब संबंधों में आप हो, सब सेवाओं में, सब साधना में साध्य प्रभु आप ही हैं। आपकी शरणागति में रहो प्रभु, आपके विधान में रहो प्रभु। ऐसे प्रथम सब ओर से, सब दिशाओं से वासुदेव सर्वम ईशावास विदम सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र सर्वम यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। सब ओर से ब्रह्ममय इस पूरे अस्तित्व को अनुभव करते हुए अंततः मूलाधार से सहस्रार तक हम एक एक चक्र में एक एक बार ओंकार का ध्यान करते हुए हम भगवान की शक्ति को, सामर्थ्य को, ऐश्वर्य को, भगवान के प्रकाश को, ज्योति को अनुभव करें। और जिनका चित्त बहुत सात्विक है वे तो सदा ही सात्विकता में, दिव्यता में प्रतिष्ठित रहते हैं। सर्वद्वारे सुदेहेस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्त्वमित्यत्। प्रकाश ही प्रकाश, ज्योति ही ज्योति, यद यद विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव तत्तव तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंस संभव। सब दिशाओं से, सब ओर से ब्रह्म की महिमा को अनुभव करते हैं। अंततः मूलाधार से सहस्रार तक एक एक चक्र में एक एक बार उच्चारण करके, अथवा एक बार ओंकार का उच्चारण किया और बस ओम के हो गए, एक उपाय है शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतये। सब और भगवान की महिमानुभव करते हुए अंततः मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा सहस्रार तक, भ्रिकुटी सहस्रार ब्रह्मरंध्र तक एक ब्रह्म को अनुभव करते हैं। और एक ऐसी भाव चेतना बस ओम सोचा, बोला भी नहीं और ओम में ही प्रतिष्ठित हो गए। ओम प्रतिष्ठा
आत्म संयम योग में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण साधना की पद्धति बताते हैं। भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना कैसे करना, उसका श्रवण करते जाएंगे और पंच तत्वों में, पंच तन्मात्राओं में, पंच कोशों में, पंच ज्ञानेन्द्रियों में, पंच कर्मेंद्रियों में, अंतःकरण चतुष्टय में, 72,72,10,201 नाड़ियों में, और इसमें भी 101 नाड़ियां प्रमुख हैं और उसमें भी जो सुषुम्ना प्रमुख है उसमें प्राण का दिव्य संचरण हो रहा है। शतम चैका हृदयस्य नाट्या तासाम मूर्धानम अभिनिसृतैका तया ऊर्ध्वमायनम मृतत्वमेति विश्वं अन्ये उत्क्रमणे भवन्ति, विश्वं अन्ये उत्क्रमणे भवन्ति। प्राणायाम का तप करते रहे, ओंकार का जप करते रहे तो और अधिक अनुकूलता हो गया। अष्ट चक्रों नवद्वारों को परिशुद्ध करने में, अष्टाय चक्र नवद्वार देवानां पूरयित्वा तस्यां हृदयकोश स्वर्ग ज्योतिष तप श्रद्धे ये उपवसंति अरण्ये शांता विद्वांसः भैक्षचर्यं चरन्त सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति अत्रामृतः सपुरुषैः यंतरात्मा। यत्रामृत सपुरुषैर्व्यात्मा तप और श्रद्धा से ओंकार का जब प्राणायाम का तप साथ साथ चलता रहता है। भद्रम इच्छन्तः स्वर्गतः तपो दीक्षा उपनिषद, तप हमारे आचरण में आ जाए, तप और दीक्षा से, तप और श्रद्धा से हम पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम करते रहे। कुछ जेनेटिक रोग हैं हमको, कुछ अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल वायरल डिजीज, छोटी छोटी भूलों से हमारे शरीर में दोष संचित हो जाते हैं, इंद्रियों में, मन में, चित्त में, चेतना में कहीं ना कहीं कोई अशुद्धि आ जाती है। तो पूरी तरह से अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं और ओंकार के साथ एकाकार होकर के मूलाधार से सहस्रार तक अपनी अंत शक्तियों को जगा लेते हैं, लयबद्ध होकर के प्राणायाम के तप के साथ ओंकार का जप करते हुए। आज ही मुझे जीवन मुक्त होना है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में मुझे प्रतिष्ठित होना, और फिर इस आत्मचेतना से मुझे क्षण भी नीचे नहीं आना है। इतनी ऊंची प्रतिबद्धता, इतना ऊंचा संकल्प, इतनी ऊंची साधना, इतना ऊंचा साधन, इतनी ऊंची दिव्यता, पवित्रता, प्रामाणिकता हमारे भीतर होनी चाहिए कि उस इस आत्म चेतना से, अपने आत्म स्वरूप से हम एक क्षण के लिए भी नीचे ना आए। बस उद्धरेतात्मनात्मानम् अनात्मानम् अवसादये आत्मये हि आत्मनो बन्धु आत्मा एव रिपु आत्मनः। स्वयं से स्वयं का अनुशासन, स्वयं से स्वयं का उद्धार कपालभाति निरंतर करें, अनुलोम विलोम करें और बस
अंतर्मुखी हो जाए, पूरी तरह से स्थित प्रज्ञ हो जाए और श्रीमद् भगवद गीता के पवित्र श्लोकों का श्रवण करते हुए आत्मसंयम योग में अपने स्वरूप में अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता निजता में हम प्रतिष्ठित होते रहे। जैसे जैसे भगवान ने विधान किया है वैसे वैसे साधना में अपने आप को समाहित करते रहे। षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं संन्यासमिति प्राहुर् योगं तं विद्धि पाण्डव नह्य संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। हमारी मदद भगवान तभी करते, हमारी सहायता तभी करते, सहायता ही नहीं करते, भगवान तो अपना सर्वस्व हमें प्रदान करते हैं, अपना संपूर्ण ऐश्वर्य, अपना संपूर्ण वैभव, अपनी सारी दिव्यता, अपना संपूर्ण ज्ञान, अपनी संपूर्ण विभूति ऐश्वर्य हमें उपहार में दे देते। बार बार हम ब्रह्मचर्य सूक्त का उच्चारण करते रहते इमा भूमि पृथ्वी ब्रह्मचारी भिक्षा माजभार प्रथमो दिवं च ते कृत्वा समिधो उपास्ते तयोरार्पिता भूनानि विश्वा का यही तात्पर्य। जैसे हम भगवान की शरणागति में उपस्थित होते हैं भगवान अपनी संपूर्ण दिव्यताओं से हमें युक्त कर देते हैं, अपने दिव्य मति से, दिव्य भक्ति से, दिव्य कृति से, दिव्य सामर्थ्य से, संपूर्ण दिव्यताओं से हमें युक्त कर देते। बस हमें स्वयं को उभारना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ जैसे ही घटित होगा हमारे जीवन में, प्रार्थना तो अपने आप होगी, फिर याचना नहीं करनी पड़ेगी। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादये
अपने आप को नीचे नहीं गिराना कभी भी, एक क्षण के लिए। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, एक क्षण के लिए भी नीचे नहीं गिरने देना, एक क्षण के लिए भी अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, अस्वरत्व से पराजित नहीं होना है। बस यही साधना का सबसे बड़ा मर्म है, मुझे क्षण के लिए भी तमोगुण के रजोगुण के अधीन नहीं होना, उसे अभिभूत नहीं होना, उसे पराजित नहीं होना। अनेक शब्दों में इसी सत्य को कहते हैं, ये बहुत बड़ा सत्य जीवन का, ये मुक्ति। मुक्ति क्या है? अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अस्वरत्व से, अशुभ से, तमस से, प्रमाद से पराजित होना, यही तो बंधन है। और इससे मुक्त हो गए तो ये मुक्ति है। और जैसे अशुभ से मुक्त होते हैं तो शुभ से युक्त हो जाते हैं, जैसे अधर्म से युक्त होते हैं तो धर्म से युक्त हो जाते हैं, असुरत्व से युक्त होंगे तो देवत्व से, असुरत्व से मुक्त होंगे तो देवत्व से, ऋषित्व से युक्त हो जाते हैं, ब्रह्मत्व से युक्त हो जाते हैं। तो पहले मुक्त होना पड़ेगा, और वह मुक्ति ऐसी कि एक बार छोड़ दिया तो फिर लोक व्यवहार में बोले तो ये तो थूक के चाटने वाला काम हो गया कि एक बार जिसको हमने त्याग दिया, जिसको रिजेक्ट कर दिया, जिसको निरस्त कर दिया, फिर उसको बार बार क्यों अपनाते? नहीं, कपाल भाते करते करते ये सारा ही रिजेक्शन हो रहा है। अभीप्सा, त्याग, समर्पण, इसलिए इन तीन को भगवत प्राप्ति का बड़ा ऊंचा साधन कहा है। विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति में सब अशुभ के त्यागी ही की तो बात है। सद असद का विवेक हो जाए और फिर हम असत से हट जाए और सत में प्रतिष्ठित हो जाए, राग ना हो, आसक्ति ना हो अशुभ में। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और फिर बस एक भगवान में प्रतिष्ठा। बिना अशुभ से हटे शुभ घटेगा ही नहीं। उद्धरे तात्मान आत्मानम् न आत्मानम् अवसादये, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः, बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाचितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः, सुहृन्मित्रार्युदासीनम् मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, योगी युञ्जीतः
सततम् आत्मानं जहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचम् शैलाजिना कुशोत्तरम्। आसन से लेकर के और कैसे ध्यान संपन्न होता है इसका पूरा विधान आत्मसंयम योग में किया है। इसी में अष्टांग योग समाहित है, यमन यमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसी को राजयोग कहते हैं। इसी में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, विभूति योग, भक्त, सब कुछ जो अलग अलग नामों से योग कहा जाता है वो सब आत्मसंयम योग में समाहित है। जैसे आत्मसंयम योग में विधान किया है साधना का, ऐसे हम अपना साधन करें तो एक क्षण में, एक पल में ही हम मुक्त, जीवन मुक्त होकर के भगवान से सदा सदा के लिए युक्त हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्म रूप हो जाते हैं, ब्रह्म के साथ तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। तो जैसे जैसे विधान किया वैसे वैसे प्राणायाम करते करते, ओंकार का जप, प्राणायाम का तप करते करते इस विधान में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाए तो आज ही हमारा योग सिद्ध हो जाएगा, आज ही हमारी साधना सिद्ध हो जाएगी, आज ही हमारा ध्यान पूर्ण हो जाएगा, हम ध्यानावस्थित रहेंगे फिर। और ये ध्यान कभी खंडित नहीं होगा, अखंड ध्यान, अखंड भक्ति, हमारी दिव्यता, हमारे भीतर का देवत्व, ब्रह्मत्व खंडित नहीं होगा। ऐसे हो सकते हैं एक दिन में ही, एक दिन तो बहुत लंबा काल खंड है, एक क्षण में ही, क्षण तत्क्रम यह संयमात विवेक समझा, करते रहे प्राणायाम और अंतर्मुखी होते होते जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसे ध्यान में प्रतिष्ठित हो। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं सं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकांत मनश्नतः न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य
युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। ऐसे हमारे चित्त की स्थिति हो जाए धीरे धीरे, जैसे निवात स्थान पर जहां वायु का कोई झोंका नहीं आता, वायु का वेग नहीं आता है, वहां पर रखे हुए दीपक की लौ जैसे इधर उधर नहीं होती है, सीधी जलती रहती है। ऐसे आत्मा में हमारी एक ऐसी ज्योति जले उस परमात्मा की भक्ति की कि वो ज्योत फिर अखंड रहे। बुझने का तो प्रश्न ही नहीं है। निवात स्थान पर जैसे दीपक रखा होता है और उसकी ज्योति सदा ऊपर की ओर उठती हुई और जरा सी भी इधर उधर नहीं होती है, ऐसी हमारे भीतर आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति जगे, ऐसी हृदय चक्र में आज्ञा चक्र में सहस्रार ब्रह्मरंध्र में ध्यान करते हुए बस उस ज्योति में स्वयं ज्योतिर्मय तेजो में हो गए। एक क्षण के लिए भी इधर उधर विचलन ना हो किसी भी परिस्थिति मनस्थिति में, कैसी मनस्थिति हो कैसी परिस्थिति हो विचलित नहीं होना, ऐसी हमारी साधना होनी चाहिए। यत्रोपरमते चित्तम् निरुद्धम् योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसञ्चितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे
बुद्ध्याजिते गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तये यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नये प्रशान्तमनसं येनम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति अनुलोम विलोम प्राणायाम भी ऐसे ही करते करते एक अपनी दृष्टि तय कर ले निर्धारित कर ले कि मुझे एक ब्रह्म दृष्टि के अलावा दूसरी किसी भी दृष्टि में दूसरी किसी भी भाव चेतना में नहीं जाना एक ब्रह्म भाव में एक ब्रह्म चेतना में एक ब्रह्म ज्ञान में अखंड ब्रह्म ज्ञान में अखंड ब्रह्म भाव में जीते हुए भगवान की शरणागति में रहते हुए भगवान के विधान के अनुरूप ही एक एक पल मुझे अपने जीवन में निरंतर ऊंचा उठना है उद्यानम ते पुरुष नावयानम नीचे नहीं गिरना अनुलोम विलोम प्राणायाम भी ऐसे ही एकाग्रता पूर्वक करते हुए सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये
वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव मे मतिः। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेहनामुद्र विनाशस्तस्य विद्यते। नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम्। यत् ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दना। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी
ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः स मे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ऐसे आत्मसंयम योग के पथ पर चलते हैं, अपने आत्मा में उस परमात्मा की ज्योति को ज्ञान को सतत अनुभव करते हुए परमात्मा के दिव्य ज्ञान से दिव्य मति से दिव्य भक्ति से श्रद्धा निष्ठा से दिव्य कृति से दिव्य कर्मों से पुरुषार्थ से परमार्थ से अपने आप को निरंतर देवत्व के पथ पर दिव्यता के पथ पर ब्रह्म पथ पर आगे बढ़ते हुए हम निरंतर जीवन में भगवान के साथ एकात्म रहे और शरीर इंद्रियां चित्त चेतना विशुद्ध नहीं है तो प्राणायाम का आश्रय जरूर है। ऐसे प्राणायाम और प्रार्थना, उसको पुरुषार्थ और प्रार्थना, जप और तप, श्रम और विश्राम, नाम जो भी दे करते हुए अपने आप को पूरा शुद्ध बना। कोई नाम का आश्रय लेकर के, मंत्र का आश्रय लेकर के, भजन का, प्रार्थना का, कीर्तन का आश्रय लेकर के, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भजन का आश्रय लिया तो बस प्रभु आप ही मेरे अर्थ हैं, परम अर्थ हैं, आप ही मेरी परम शरणागति हैं। कपाल भाती अनुलोम विलोम करते करते ही प्रार्थना पूर्वक प्रभु में ऐसे प्रविष्ट हो जाएं, भगवान के साथ ऐसे एकात्म हो जाएं, फिर इस मन का ही भागवत चेतना से, ब्रह्म चेतना से, ब्रह्म भाव से एक क्षण के लिए भी नीचे न आए। ज्ञान हो भगवन तुम्हें सब है।
ओंकार के जप और प्राणायाम के तप से जब हमारा पूरा व्यक्तित्व परिशुद्ध हो जाता है, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त चेतना शुद्ध हो जाता है, तब एक ही ब्रह्म की ज्योति से सब कुछ ओतप्रोत है। साधना काल में स्वभाव में बने रहते हुए व्यवहार काल में फिर जैसे भगवान ने विधान किया है, भगवान के विधान के अनुरूप आचरण करते हुए भगवान की भक्ति में 24 घंटे अखंड रूप से प्रतिष्ठित रहते हैं, फिर अंततः मौन होकर के अपने हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में मौन ध्यान करने का अभ्यास करें। प्रथम प्रशांत चित्त होके, एकाग्र चित्त होकर के इस पूरे अस्तित्व में एक ब्रह्म भावना और अंततः केवल एक ब्रह्म के सिवा और कोई भी चिंतन ना हो, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तये। कितने हमारे ऊपर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दायित्व है, साधना काल में, उपासना काल में तब हम भगवान की शरणागति में हैं, ध्यान के समय एक ब्रह्म के सिवा और कुछ भी ध्यान ना आए, हम ऐसा अपने चित्त का, मन का अभ्यास बनाएं। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और दोनों हाथों के गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का ऊष्मा कंदन आंखों पर करते हुए आंखें खोल लेते हैं। ये साधना का एकक्रम हुआ और इसका मूल मंत्र हमने आपके सामने रखा कि ऐसा अभ्यास करें हम भोर में उठ करके ध्यान का, चाहे किसी का ये अभ्यास एक क्षण में हो जाए, चाहे अभ्यास एक घंटे में हो जाए। अब ये तो थोड़े प्रमाद की भाषा होगी कि चाहे जीवन भर में हो जाए या अनेक जन्मों में हो जाए, जो अत्यंत पुरुषार्थी होते हैं उनकी भाषा नहीं होती है, जिनके भीतर तीव्र भीपसा उनकी भाषा होती है। मुझे आज अभी इसी क्षण योगी होकर के जीना है और अपने ध्यान को खंडित नहीं होने देना है। तो मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, हम अखंड ज्ञान में, अखंड भक्ति में, अखंड कर्म में, अखंड ध्यान में, अखंड योग में प्रतिष्ठित रहेंगे। Thank you.